अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ, जिससे आप अपने ब्राउज़र को बहुत ही आसानी से, तेज़ी से, फास्ट से दोहरा सकते हैं, तेज़ी से चला सकते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे आप अपने स्टोरेज, आपका जो सा ब्राउज़र का स्टोरेज है उसको आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आप ने गूगल ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, आप गूगल से, मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर, आप कहीं से भी इसको बहुत ही आसानी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। इसका रिमूव करने का कुछ इस तरह ने बताया क्या है, गूगल ने जो मैंने स्टडी किया था वो वहाँ पे वहाँ लिखा हुआ था, अगर आपका जो सा ब्राउज़र वो मिसबिहेवियर करता है आपके साथ, अगर इस मीन के अगर आप कुछ अपनी साइट ओपन करते हैं और आपके सामने कोई बैड इमेज या बैड वर्ड्स आपके सामने शो हो जाते हैं, तो वो इसी वजह से आपको जो सा है वो क्लीन करने के लिए कह रहा है। तो ये न्यू अपडेट है, आई थिंक कोई 10-12 घंटे पहले उन्होंने अपडेट दी है गूगल की, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करनी चाहिए। तो चलते हैं अपना वीडियो बता रहे। तो सबसे पहले आपने अपना गूगल ब्राउज़र ओपन करना है। गूगल ब्राउज़र ओपन करने के बाद मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने करना है ये, आपको 3 डॉट नज़र आते होंगे आपके राइट हैंड पर, ये देखें, आपने इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने चले जाना है मोर टूल्स में। मोर टूल्स में जाने के बाद ये आपके सामने लिखा हुआ है मोर टूल्स। मोर टूल में जाने के बाद आपने सिंपली डेवलपर टूल्स में चले जाना। डेवलपर टूल्स में जाने के बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आप एलिमेंट में डायरेक्ट, फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करोगे तो आप डायरेक्ट एलिमेंट में चले जाओगे। एलिमेंट में चले जाने के बाद आपको नज़र आते होंगे ये 2 एरोज़, आपने इस पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने सिंपली एप्लीकेशन में जाना है। एप्लीकेशन में जाने के बाद ये आपको नज़र आ रहा होगा कैसे, ये देखें, स्टोरेज, स्टोरेज में आपने इसको क्लिक करना है। ठीक है, आप जब फर्स्ट टाइम ओपन करोगे एप्लीकेशन को, तो आप सेटिंग में भी जा सकते हो डायरेक्टली या फिर किसी किसी और में भी। तो आपने, हमने बस क्लीन ही करना है, क्लियर करना है स्टोरेज को। हमने क्लियर स्टोरेज पे क्लिक करना है। क्लियर स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद हमने क्लियर साइट डाटा, इसको हमने कर देना है डिलीट। इस पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये कुछ टाइम लेगा, फिर ये जो सा आप दायरा देख रहे हो, सर्कल देख रहे हो, ये जो सा है वो इसमें कलर भर जाएंगे, यानी कि ये फुल हो जाएगा। अगर आपका डाटा वाकई में ही बैड कोई आपको इमेज दिखाते हैं, कुछ भी करवाता है आपके सामने शो करता है, तो आपको ये जो सा सर्कल है ये फील हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि यार मैं अपना एप्लीकेशन का डाटा यार बहुत इंपॉर्टेंट था वो मैं नहीं करना चाहता, डिलीट या क्लियर नहीं करना चाहता, तो आप यहाँ पे जो से आपको बॉक्सेस में नज़र आ रहे हैं, आप इसको चेक ना करें। अगर आपने आप चाहते हो कि यार मैं इसको नहीं हटाना चाहता या क्लियर नहीं करना चाहता, तो आप इस चेक को ख़त्म कर सकते हैं। ख़त्म करने के बाद आप इसको सिंपली सिंपली जो सा आप क्लियर साइट डाटा कर सकते हैं। मैं तो उसको ओबियसली करूँगा, क्योंकि ये इससे मेरा जो सा गूगल ब्राउज़र उसमें रनिंग में इसका इजाफा होगा, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, तो इस वजह से ये जो सा चल रहा था। अगर आप फायरफॉक्स, मोज़िला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे थे, या इसके अलावा कोई आप ने वेब यूज़ कर रहे हो जिसमें आपको क्लीन या आपकी स्लोइंग का मसला, यानी कि आपका ब्राउज़र स्लो चल रहा है, तो आपने इसी मेथड को आजमाना है। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ आपको समझा देता हूँ। अगर आपके सामने ये चीज़ नहीं आ रही, सिंपली आपने अपने कीबोर्ड से आपने पुश करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट, शिफ्ट प्लस आई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई को आप जब हिट करोगे, तो आपको ये डायरेक्ट ही पेज पे ले आएगा जहाँ से हमने इसको क्लीन करते हैं। ये देखें आपके सामने ये क्लीन और क्लियर स्टोरेज आपके सामने आ गया है। आपने अपने कीबोर्ड से क्ले कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई का बटन पुश करना है, देन आपको ये सामने ले आएगा। अगर आपकी जो सी भी साइट स्लो चल रही है, आप इसी तरह इसको करें, क्लीन कर दें, आप अपने स्टोरेज को जो सा वो
डिलीट करेंगे तो आई होप का आपका ब्राउज़र भी बहुत फास्ट रनिंग करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो कर लाइक करते हैं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। ये मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना और अपने इर्द गिर्द के बहुत से लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।